इस एकत्रता विच विराजमान समूह साध संगत जी फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंथक रवायतां चुनौतियां अते भविख दीआं संभावनावां, जिस तरह सरदार गुरप्रीत सिंह होरां ने एक हिस्टोरिकल नुक्ते तो हिस्टोरिकल विवरण के नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का तो मोर्चा का जिक्र किया, मेरा मैं कुछ नुक्ते ने जिहड़े पंथक रवायतां पंथ रवायत ते अज दे चुनौतियां उन्हां बारे मैं जरूर कुछ नुक्ते जिहड़े है नोट किए ने। मेरी समझ मुताबक रवायतां की ने साडियां, साडे सतगुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़ा निर्मल पंथ चलाया सानू सिद्धांत संकल्प मान मर्यादा रहत मर्यादा सानू ये महाराज ने बख्शिया। संगत पंगत मीरी पीरी दागे आजिए जिहड़ा हैगा देग तेग संत सिपाही दा जिहड़े ये एक तरह भी जिहड़े ये आदर्श ने ये साढ़े कोल महाराज ने दित्ते। सानू जे गल करिए भी व्यक्तिगत तो पंथ रूप दे विच जदों सिक्खी दा फैलाव होया ते उहदियां राजनीतिक ते पंथक होर जिहड़ियां वो कह लो भी निकलियां उहदे विचों एक लेज निकलियां तां उदों फिर जिहड़ी रवायतां दी महत्ता गी वह की है सानू ये जान लेना चाहिदा। सब तो पहला जिहड़ी रवायत है ये साढ़े ये नहीं भी साढ़े सिद्धांत है तो रवायत कोई इदा कोई सानू मिल गई जा गई, ये रवायतें भी सानू कौमी नियामत ने कि महाराज ने सानू उन्हां दे अमल विचों उन्हां दी जुगत विचों सानू दित्तियां ने। इन्हां दीआं विशेषतावां की ने कुछ मैं नुक्ते हो नोट किए सीगे वो मैं सांझी करांगा। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित किए सिख पंथ विच गुरबाणी के उपदेशों की रोशनी विच सिद्धांत संकल्प मर्यादा आदि मौजूद हैं। इन्हां सभना दे जिहड़े साढ़े रोज़ाना व्यवहार विचों कुछ रवायतां पैदा हुई हैं जिहड़ियां साढ़े पंथ का निखड़ अंग बन गई। मेरी समझ मैं मैनूं यह भी लग्या भी असल विच रवायतां कोई यह नहीं कि इन्हां तों रवायतां जदों सिद्धांतां नूं अमल विच लैके आउंदा जदों जुगत विच सिद्धांत वरते उदों रवायतां वह बन गई। सानू सारी रवायतां ने जे असीं हुण तक देखिए रवायतां की मैं एक थोड़ी निशानदेही करन की कोशिश की बड़ी रवायतां कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो लैके गुरु खालसा पंथ खंडे दी पाहल अरदास लावा नितनेम सरबत खालसा गुरमता संस्कार खालसा ही बोले जिवें वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जां चढ़दी कला सत श्री अकाल चौंकियां झंडे बुंगे गुरपुरब गुरबाणी संथ्या कथा कीर्तन ढाडी कविशरी संप्रदावां सिख शास्त्र इन्हां दे नाल सानियां रवायतां जुड़ियां होईयां ने। इन्हां दी साडी रवायतां दीआं प्रमुख विशेषतावां की ने मैं ये पहला ये भी गल कर लईए। पंथक रवायतां गुरु पातशाह दे अकाली पंथ दीआं जिउंदियां जागदियां सदीवी सुभाव वालियां कौमी नियमतां हन। यह एक वक्ती जां दुनियावी नहीं हन यह सदीवी हन। इन्हां रवायतां नूं समझना ते लागू करना अपनाउणा वो सिक्खी दे दैवी रूप अगम्मी सरूप अकाली सरूप दे प्रसंग विच ही समझिया समझाया जा सकदा है, इहदे नालों जुदा करके नहीं। तां ही इन्हां दा जिहड़ा नाता है वो रूहानी पद्धर तक जुड़िया होया है। हुण तक जां अगाह नूं भी गुरबाणी गुर इतिहास सिख इतिहास दे अंतर्गत ही जिहड़ा इन्हां रवायतां दा जिहड़ा सही जां शुद्ध सरूप कायम रख्या जा सकता है। जदों किते साडे क्योंकि जिहड़ा साडा
साढ़े को जोत तो जुगत का संकल्प है महाराज का, जोत एक जोत वह जुगत साए सहकाया फिर पलटी है। वो जोत को दसा जामिया के जुगत में अपनाया तो वक् वक् समय से जड़ी है ने सिद्धांत संस्थावान ये होंद में आई उन्हें जड़िया इन्हें बच्चों इस है ने मैं कुछ निशानदेही करने की कोशिश की है कि साड़िया रवायत ने अखीरते जी साड़े आगू चुन की रवायत मतलब साढ़े इतिहास में गुरु इतिहास में गुरु साहब ने किमें बख्शिश की आओ तो हूँ की है तो वह जो वर्तमान तो भविख की होगा। आगू साढ़े विद्वाना ने साढ़े कौमी विद्वाना ने आगू के लक्षण की मने ने कि आगू सिख आगू किहो जिहा होना चाहिए, वो सबक कि लक्षण किड़े ने उन्हां बारे भी संखेप दे विच गल करांगे। जदों असी सिख रवायतां की गल करते हाँ रवायतां नूं जानण तों पहलां जां उन्हां दे जानण दे लई सानूं सतगुरु साहिबान की जिहड़ी कह लो वी गुरु की पद पदवी है अजोके दौर दे विच, क्योंकि जो असी देखते हैं कि इतिहास में सिंह सभा लहर होंद में आई वो दो कारण से प्रमुख, एक कारण तो साढ़े अंदर ही पे सके, दूजा कारण बहरूनी बाहरी कारण हुए जिदे करके जिमें अणमत्तां दे खास तौर पर आर्या समाज ईसाई धर्म जां देव समाज ते सनातन धर्म ब्रह्मो समाज इन्हां सारयां दे हमले सके कि सिक्खी नूं आपदे वल सिक्खां नूं खिच रहे थे। उस वेले साढ़े पंथ हमदर्दियां ने पंथ दर्दियां ने जिहड़ी है सिंह सभा लहर शुरू की, उदों तो लैके हुण तक असीं देखदे वी साढ़े खास तौर पर मैं एक गल कर जिहड़े मिशनरी संस्थावां ने मिशनरी कॉलेज आ गए जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तों बाहर ने, हले श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़े साढ़े कॉलेज ने मिशनरी कॉलेज इन्हां दे विच इस तरह की हले प्रॉब्लम नहीं आई। गुरु की पद पदवी बारे भी जड़ा है की समझते की समझाया जाता है, जिमें बहुते कहते हैं कि गुरु साहबान सतगुरु नानक देव जी महाराज भी एक चंग्या चो चंगे मनुख सी तो उन्होंने महान कार्य किए इस करके वह महान हो गए। ये साड़िया व्याख्यावान इस तरह तरह के सुनते हैं भावें कि कई बंद इदा होंगे कि सानू उन्हां वल बहुता नोट उन्हां दा लैना जां नोट देना नहीं बनता हुंदा भी अक्सर चली आ रही है शुरू तो ही, पर क्योंकि ये चीज़ा साड़ी अकाली पंथ लई ते साड़े सिख पंथ लई चुनौतियां वजो सानू दरपेश ने कि भुलेखा ये वरत रहा कि जिहड़ा है गुरु महाराज की पद पदवी बारे कि उन्हां दा जिहड़ा हैगा वो अगमी स्वरूप जां अकाल स्वरूप वह ही साढ़े मन के ही ख्याल उदू बाद होर कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। सब तो पहली मैं पंथक रवायतों के पिछे गल करदा क्योंकि एक धर्म है साडा उही साडी कौम है इहदी समुचता विच ही है सब कुछ है। असी जदों किसी चीज़ नूं खंडित करके देखांगे उहदे टुकड़े करके देखांगे उत्थे फिर समस्यावां पैदा हुंदियां ने, उत्थे फिर साडी आपो अपनी जिहड़ी बुद्धि है वह मत है उहदे अकॉर्डिंग फिर जिहड़ा हैगा व्याख्या हुंदी है ते फिर व्याख्या नूं लैके जिहड़ा है अमल तक दा वी आ जांदा है। मैं मतलब कि इहदे विच करांगा जिवें हुण साढ़े लावां दी गल है पिछले कई सज्जणां ने शुरू करता सीगा कि जिहड़ा हैगा ये क्यों है तो मतलब कि वितकरा भी कल्ला पुरश क्यों अगे तो नाल जिहड़ी है अपनी इस्त्री जां औरत वो अगे लगनी चाहिए दो लावां जो हो जाए दो लावां एक मिसाल ये क्यों मतलब कि साढ़े एड्डी काहल क्यों हो जाती है मतलब हर चीज़ को करने लिए साड़ियाँ जो पिछले रवायतें चल रही ने कि वो रवायतों यह मनाया जाता भी रवायत एवं शुरू हो गई भी ये रवायत शुरू हो जाती है तो चलो इनू खत्म कर दो जा इस करके जोड़ा है ये कोई इन्नी जा फिर जो असं ये मनते हाँ कि सानू साढ़े को लै दे के जाने को होर कोई हल नहीं साढ़े को सिख रहत मर्यादा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जी श्री अकाल तख्त साहब तो प्रवानित चाहे हालांकि वो बारे भी ये कहता कि खरड़ा जाए मुकम्मल रूप के प्रवानगी नहीं हुई चलो एक बखरा विषय पर होर कोई हल नहीं
सिख रहत मर्यादा असी जड़ा है क्यों नहीं उवें अपनाउंदे। इत्थे आके समस्या जिहड़ी है पैदा हो जाती है। तो ये पिछे जो जाने के फिर साढ़े क्योंकि ये गल इत्थे नहीं खड़ती सिख रहत मर्यादा से जी किसी रवायत से, यह फिर रवायत तो पिछे जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तक पहुँच जाती है। चलो दसम ग्रंथ बारे तो आप देखते हैं कि जिस तरह की साढ़े मतलब नीवे पद्धर से शब्दावली वरती जाती है जां विचार पेश किए जाते हैं श्री दसम ग्रंथ बारे, तो वो असी देखते हैं। प्रोफेसर पूर्ण सिंह जो ये गल मतलब करते हैं कि प्रोफेसर पूर्ण सिंह कहते हैं भी असल गिरावट कदों आती है, ये गिरावट का कारण की है। उन्हों का एक आर्टिकल है जीवन मंत्रां दी बेअदबियां। वो कहिंदे ने जद यह गिरावट आउंदी है तद पहला चिन्ह यह हुंदा है कि आत्मक सच्चां नूं प्यार अलाही दियां अंदरलियां हकीकतां नूं अकल दे कांटियां नाल तोलन लग जांदा है। अकल दे नाल जां बौद्धिकता दे नाल तर्क वितर्क दे नाल तोलन लग जांदा है। मनुख समझन लग जांदा है कि वह वहम सी, मनुख समझन लग जांदा है कि वह वहम सी, अकल नाल सिद्ध किते सच सुचे हन। जिहड़ी समस्या साडी अजोके दौर विच बरकरार है, यह रवायतां गुरु पातशाह वल्लों भरोसाईआं हन। इन्हां नूं मनुखी बौद्धिकता ते तर्क वितर्क नाल समझण समझाउण दी करुची अजोके दौर दी चुनौती है। इन्हां नूं शुद्ध खालसाई सरूप विच समय स्थान तों परे ग्रहण करन दी लोड़ है। एक जिहड़ी मैं समझिया इस संबंधी महत्वपूर्ण जां मैनूं लग्गिया वड्डा नुक्ता, गुरु ग्रंथ पंथ मीरी पीरी संत सिपाही देग तेग दे जिहड़ा आदर्शां दा आपसी संतुलन कि पूर्ण तौर पर हुण कायम है। मिसाल दे तौर पर एक व्यक्ति है सिख है, वह धर्म कर्म दे विच पूरा है, पर कि उहदे जिहड़े कौमी पद्धर ते जिहड़ा उहदा अमल है कि वह कौमी पद्धर ते उहदा अमल नाल बरकरार है। जे ये कह लो भी साढ़े एक तो व्यक्तिगत मुक्ति होगी तो दूसरी होगी कौमी मुक्ति, कि वह व्यक्तिगत मुक्ति दे नाल कौमी मुक्ति लई समझन समझाउण दे जां यतना विच है कि नहीं। ये साडा जिहड़ा अजोके दौर दे विच जुड़िया होया मुद्दा है। जिवें कह लो भी मीरी पीरी दे विचों पीरी बारे गुण तां असीं सारे देखदे आ कि जरूरी है, साडा गुजारा नहीं पीरी बिना, साडा गुजारा नहीं है, साडा बेस है, साडा आधार है। पर जिहड़ा सानूं गुरु महाराज ने बख्शिया श्री गुरु नानक देव जी महाराज तों लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक 239 साल का जिहड़ा समां लग्गिया, सानूं एक समुचे रूप दे विच जिहड़ा ग्रंथ पंथ जां मीरी पीरी संत सिपाही दे सानूं ये बख्शिया। हुंदियां साडियां जिहड़ियां सिख सियासत दियां समस्यावां ने उहदे विच ये वड्डा मुद्दा है। असी कई बार कह दें भी चलो असी की लैना, आपका पाठ करो तो अपना जिहड़ा है नाम सिमरन करो तो आपां उन्हां गल्लां तों की लैना। तो मेरी समझ मुताबक सानू जिथे तक हो सके नाल ये भी चीज़ नू जरूरी है कि असी कौमी पद्धर ते वह सोच समझ ते अमल जिहड़ा है वह लेके जाइए। एक जिहड़ा मैं नोट हुणी कीता सीगा पिछे जे मैं घरे चलो घरे बच्चे टी वी देखते होंगे ने सीरीयलों के विच हिंदी सीरीयलों फिल्मों के विच बच्चे पटकियां वाले तो उन्होंने पिता दस्तारां वाले साहब सूरत बनाए हुए वो पूजा करते हैं मूर्ति की, मूर्ति पूजा करते दिखाए जाते हैं। अच्छा ये हुण साढ़े बच्चों जिहड़े देखते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਥਰੂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਗਾੜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਉਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮੋਗਾ, ਮੋਗੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ, ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰਗ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਬਰਬੰਡੰਗ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਣਹੋਂਦ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਚਾਅ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਬਾਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਧਿਆਨੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸਾਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੇ ਚਿੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਉ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿਉ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ, ਇਹ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੰਤਮ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਪਠਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਪਾਠ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ, ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਜਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਕ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਉ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਚੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ,
जो गुरपुरब मनाने गुरपुरब मना की जी रवायत है गुरपुरब आ गए सरबत खालसा जोड़ा गुरमत्ता वह करन का जोड़ा असी देखिए भी अजोके दौर इन चीज़ों किनिया क कौमी प्राप्तियां ने हूँ गुरपुरब साढ़े असी जी है महाराज का असी अखंड पाठ साहब रखते हैं पाठ करते हैं नगर कीर्तन निकलते हैं पर सानू उन्हों कौमी चेतना कौमी प्रेरणा किन्नी क मिलती है किन्नी क लैके चलते हैं असी सिंह सभा लहर वेले जदों मैं खालसा समाचार से पी एच डी है मेरा भाई वीर सिंह का अखबार है उहदे विच तां क्योंकि चलो तो उन्होंने वो तो ऐ लगता भी वह जोड़े बंदे ने बड़े वह तो मतलब कि कुदरती महाराज या नियामत जिन्हें बंद ने एडे काम किए ने जोड़े हुण दे साडे कोल इन्ने साधन होने के बावजूद भी नहीं हो सके उस वेले वह कर गए उहदे विच जो गुरपुरबां बारे दसते हैं कि साडा गुरपुरब तो असल में जोड़ा है साडू साढ़े जोड़ा अंदर अंदरों चेतना पैदा कर दे असी गुरपुरब मना सफल है हूँ साड़ी वो रवायत जी गुरपुरब वाली है कुरबाणी तिना गुरसिखा भाई भगत गुरपुरब करन दे रवायत भी साड़ी साढ़े लिए सोचन तो कुछ करन दी जिहड़ी है वो मंग करती है हुण एवें सरबत खालसा तो गुरमत्ता आ गया सरबत खालसा बारे तो गुरमत्ता बारे बड़ा इतिहास पद्धर से लिखा गया है विद्वानों ने लिखा है ये दोवें चीज़ां सरबत खालसा तो गुरमत्ता एक ने इन्हों भी असं निखेड़ नहीं सकते हूँ वो स्वरूप साडा ठीक है जिवें सरदार गुरप्रीत सिंह उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आई होंद गुरद्वारा एक्ट होंद आया ये नाल साडियां ये समस्या हैगी आ कि साडी जिहड़ी चोण है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मैंबर साहबान की वो चोण इलैक्शन सिलैक्शन संगत चुने है ना जां उपरों चुने जां संगत पिछों संगत पिछों संगत चुने संगत पिछों संगत चुने ये जी सा रवायत आ इतिहास की ये नाल ये चीज़ जुड़ती है भी क्योंकि हुण श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ठीक है वह देखते सी कई मसलों पर सरबत खालसा बुलाते हैं भी वक् वक् जिहड़े हैगे संस्थावां दे मुखी साहिबान मुखी आगू आ जाते हैं तो किसी मसले पर विचार वटांदरा हो जां कोई फैसला किया जाता है पर यह साडे लई अजोके दौर दे विच इक साडी पंथक रवायत लई एक वड्डी चुनौती है जिहदे जथाजोग हल दी संभावनावां लई सानूं इहदे लई कुछ करना कुछ सोचना कुछ बणदा है एक ये नाल ही जुड़ी है कि सिखां विच आगू चुनण की रवायत साड़ी जिवें हुण असी मैंबर की मैंबर साहबान की गल की कि संगत विचों चुने जाण हुण तां जिहड़ी देखो लोक जिहड़ी लोकतंत्री सिस्टम है हुण साढ़े तां कई वारी मतलब हाल इत्थों तक चलिया जांदा कि साढ़े कई विद्वान तां महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सच्चे पातशाह नूं उत्थे भी कहिंदे ने किहड़ा खालसा चुनिया उह लोकतंत्री ढंग नाल चुनिया एडा साढ़े मतलब कि जो प्रोफेसर पूर्ण सिंह कहते भी ये मतलब कि यह किदा की असी व्याख्या करते हैं क्योंकि महाराज ने तो थापिया खालसा वो बख्शिश की उन्होंने अंदरों जहर साड़ के जोड़ा उन्होंने अमृत की दात बख्शी है असी की चोण करा अन्ने उन्होंने नैनहीन शब्द वरतते ने वो असी नैनहीन चोण करा वो तो गुरु महाराज ने उन्होंने खालसे को थापिया उन्होंने जहर साड़ के उन्होंने बख्शिया तो जोड़ा है साढ़े सामने खालसे का स्वरूप सामने आया लोकतंत्री ढंग वाली जी विधि है जिमें अभी कई बार गल करते हैं कि देखो लोकतंत्री की है कहना कि लोगों की लोगों द्वारा लोगों वास्ते सरकार है यही गल सा हम श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो किसी थान पर रलो जो कोई रौला पे उत्तर वोटा पा लेंगे किसी गुरद्वारा कमेटी का मसला लोकल का स्थानक का उत्थे भी वोटा पवा लो हूँ वोटा की गल है साढ़े तो हूँ कठ की भीड़ की गल तो है नहीं सर तो पंजा की महाराज ने पंज बख्शे नहीं पंजा बख्शिया चलो उत्थे हुण जिहड़ी परची तां हुण परची दा मुल है उत्थे बंदे दा मुल नहीं है बंदा जना किहो जिहा मर्जी बंदा होवे चंगे तो चंगा होवे उहदी परची दा भी उन्ना मुल है तो माड़े तो माड़ा होवे उहदी परची दा भी उन्ना ही मुल है तो हुण इह फिर चोण किवें मतलब दसो मैनूं इहदी की इहदी चोण होई इह चोण साडे लई कोई लाहेवंद है नहीं हुण मैं कुछ क जिहड़े साडे भाई वीर सिंह होरां ने ना इक आगू दे लक्षण दसे ने भी सिख आगू साढ़े आगू
किकुन बनते हैं, तो किकुन चाहिए किस तरह चाहिए ने। उन्हें सत्त सत्त लक्षण दसे ने, मैं सत्त का टाइम तो नहीं पूरा टाइम टाइम दस बस पाँच सत्त मिनट। पहला लक्षण की है, वो कहते साढ़े आगू का आदर्श सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं। पहला लक्षण, पहला आदर्श, ये तो संभव नहीं, ये तो बिल्कुल असंभव है कि असं उन्हां वर्गे है ना, नहीं। पर असं ये मन के चलीए कि सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी काम में आप उन्होंने बंदे हों, असी किस तरह की कोशिश करिए। ये पहला सबक है कि आगू का जिहड़ा आदर्श है वह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं। दूजा, कौम नूं हर खतरे तो बचाउणा ते उन्नत करना। जिवें आकाश विच पंछी एक थां खड़ के वह नगर दीआं सारीआं थावां नूं देखदा ते उहनूं कित्थे उतरना किवें, एक थां खड़ के, ये आगू का लक्षण है। ते कित्थे की हुंदा उहनूं जानना, उहनूं भांपना, उह ते फिर अमल कर। तीजा लक्षण, कुरबानी का जज्बा। कुरबानी का जज्बा साढ़े बच्चे ये भी करेगा कि जोड़े नाल साढ़े काम करने वाले सज्जन ने उन्हें भी जज्बा पैदा करेगा, क्योंकि जे आगू के कुरबानी होगी तो ही जोड़े नाल वाले ने तो प्रेरित होकर नाल जुड़न गए तो नाल चलन गए। चौथा, अपने साथियों का पूरा मान सन्मान। आगू अपने साथियों का पूरा मान सन्मान करता, ये नहीं कि उत्थे कोई देख के कोई मतलब जिमें अजोके दौर बच्चा भाई भतीजा वा जां होर ना, उत्थे जिहड़ा साथी है, जिहड़ा साथी है उहदा बस मान सन्मान है जिहड़ा उहनां दे नाल कौम की अगवाई विच खड़ा। अगला गया, उहदी शख्सियत इहो जी चाहीदी है कि उह अपने भुल्लड़ भरावां अते दुश्मनां नूं भी जित लवे। हुण ये ठीक है, ये दैवी चीज़ा ने कई बंदे हूँ आप ना भी अज की जरूरत भी जो बंद माड़ा जहाँ कोई गलबात हो जाए असं पासे कर देना जो छड़ जाता जो कढ़ दें भी ये मतलब शख्सियत वो ये चाहिए आगू की कि जोड़े वो दुश्मन भी ने उन्होंने भी जित लवे, जोड़े कोई भुल भुलड़ भरा ने तो उन्होंने भी वह जित लवे तो वो नाल तुर पैन। ठीक है, छेवं, सारा कुछ त्याग के भी अपना प्रण ना छड़ना। हुण इहदे लई साडे कोल सतगुरु महाराज तो वड्डी उदाहरण तो कोई होर नहीं सकती, होर भी साडे कोल सिखां दीआं उदाहरणां हैगीआं ने जिन्हां ने मतलब इन्ना कुछ पंथ दे संघर्ष विच उदों तों लैके हुण तक दी गल करिए बहुत कुछ झल्लिया, बहुत कुछ पर गवाया, पर अपना प्रण नहीं छड्डिया। अखीरला, उह आगू है उह निजी जीवन नूं नाशवान मंनदा है कि इहदा नाशवान है, पर जिहड़ा कौमी जीवन है ये सदीवी है। तो ये करके जेडे कौमी हितों सदीवी समझ के वो अपनी चित्त बिरती है उन्होंने अडोर रखता, चित्त बिरती डोलती नहीं अडोर रही है। इस करके ये सतमा सबक या लक्षण जो भाई वीर सिंह ने एक आगू का दिता। सो इन्ने क जोड़े विचार ने साड़िया पंथक रवायत जिन्ना क मैं लग्या कि मैं उन्ना क मौके पर वो कर लिया, तो इन्ना कुछ कहता है कि मैं जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।